आजकल बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का दौर चल रहा है। इसी दौर के अंतिम चरण में सीबीएसई हाई स्कूल के नतीजे आ चुके हैं और यह रिजल्ट हमेशा की तरह बेटियों के पक्ष में है। जी हाँ, इस बार भी हाई स्कूल में गोरखपुर जिले में एक बेटी ने गोरखनगरी का नाम रोशन किया है। जीएन पब्लिक स्कूल गोरखनाथ में पढ़ने वाली सौम्या तुलस्यान ने 97.6% अंक हासिल करके हाई स्कूल की परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया। वहीं अगर जिले में दूसरे नंबर की बात की जाए तो इस बार संयुक्त रूप से दो परीक्षार्थियों ने इस पायदान पर अपना नाम अंकित करवाया है, जिसमें दिव्यांशी त्रिपाठी जीएन पब्लिक स्कूल और इसी स्कूल के श्रेयांश द्विवेदी ने 97.2 अंक प्राप्त किया है। वहीं जीएन पब्लिक स्कूल से ही स्वदेश कुमार ने 96.8% हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपनी इस ऐतिहासिक सफलता के बारे में सौम्या, दिव्यांशी और श्रेयांश ने बताया। अपने बच्चों की सफलता से परिजन भी काफी खुश नजर आए। श्रेयांश द्विवेदी की माता सुमन मालवीय ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, क्या नाम है आपका? सौम्या तुलस्यान। कितने मार्क्स आए हैं आपके? 500 में 488 आए, 97.6%। एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है आपने, कितना मेहनत कितना संघर्ष किया है इसके लिए? इसके लिए तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं टॉप करूंगी अपने स्कूल में, लेकिन जब मेहनत आप करते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। परिवार का कितना सहयोग रहा? जी, मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और टीचर्स का भी रहा है। क्या सोचा है बड़े होके क्या करना है और इससे आगे चल के क्या करना है, क्या सोचा है आपने, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? जी, मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी, मैं IAS बनना चाहती हूँ, अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो देश की सेवा के लिए IAS ही क्यों आपने सोचा है? ऐसा मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ आप देश को नज़दीक से समझ सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं। नाम है आपका? दिव्यांगी त्रिपाठी। कितना प्रतिशत आपका है? मेरा 97.2% है। आपने? मैंने कुछ खास बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं की थी, बस जितना स्कूल में चलता था उसको मैं घर पे रोज़ जाके कवर करने की कोशिश करती थी। आपके गुरुजन किस तरह का गाइडलाइन दिया करते थे? मेरे टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। जब मैं पहले टेंथ में आई थी तो सारे सिलेबस से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, नोट्स दिए, बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर वही सवाल कि क्या बनना चाहती हैं, आगे चल के क्या करना चाहती हैं? मेरा इंटरेस्ट अभी बायोलॉजी में है तो मैं मेडिसिन में जाके जाना चाहती हूँ। भगवान दिखता है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टर्स भगवान के समान होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, और मैं भी ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स की हेल्प करना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयांश द्विवेदी है। आपने कितना प्रतिशत हासिल किया है? मेरे बोर्ड एग्जाम में 97.2% है। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? संघर्ष तो कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस रेगुलर स्टडीज करता था, घर पे आके जो भी टीचर्स पढ़ाते थे उसको घर पे आके एडवाइस करता था। परिवार और गुरुजनों का कितना सहयोग मिला आपको इसमें? परिवार और गुरुजनों का सहयोग कोई मतलब बताने की चीज़ नहीं, ये सब जो भी पढ़ते हैं, चाहे उनका परसेंट अधिक आया हुआ कम, उनका इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। आप क्या बनना चाहेंगे आगे चल के, कुछ सोचा? मैं बड़ा होकर IAS बनना चाहता हूँ, कि IAS बनकर मैं लोगों तक मतलब लोगों की अधिक सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि IAS की जो पहुँच होती है बहुत ही बड़े क्षेत्र तक होती है। 36 हो गया आपका? और खुशी महसूस हो रही है, हमको इतना उम्मीद नहीं था, क्योंकि इस समय मेरे घर में बहुत बीमारी हालत चल रहा था सब लोगों का। इसके लिए मेहनत करती थी, क्या कैसे इस स्थान तक पहुँचाएंगे? मेरा बेटा खुद ही मेहनत करता था, हमसे अधिक वही हमको। इसी बच्चे ने इतना अच्छा प्रतिशत हासिल किया, अब क्या बताएं सर, मेरा बच्चा खुद ही वैसे है, हम भी योगदान दिए हैं लेकिन बच्चे ने का अपना योगदान दिया है, क्योंकि वो फरिंदा से आता जाता था, 2 महीना हमको यहाँ से मिल हुआ। आपका क्या सपना है कि आपका बच्चा क्या आगे चल के क्या करे, कैसे करे, क्या सपना आपका, क्या बने? IAS बनके समाज सेवा, हम यही चाहते हैं समाज सेवा।